हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्कॉलर्स आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव और खासकर इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें सजेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट ये सब दिए गए होते हैं तो इसमें तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं यानी थ्री स्टेप में इसको बनाते हैं हालांकि असर्टिव सेंटेंसेस का ही यूज होता है लेकिन पहले स्टेप में हम अफर्मेटिव को लेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि सबसे पहले लेट आएगा और जो सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से जिसे सब्जेक्ट बनाया गया है दिस वन तो उसको पहले रखेंगे और फिर be, be, और फिर बी बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एग्जाम्पल इज गिवन हियर डू इट दिस इज एन एक्टिव लेट इट बी डन दिस इज पैसि नाउ लेट अस सी रूल नंबर टू फॉर नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लेट आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा और ये वही सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से बनाए गए हैं इसके बाद में एडवर्ब नॉट और नेवर आएगा सेंस के अकॉर्डिंग फिर बी और थर्ड फॉर्म ऑफ दर्ब लास्ट में लगाएंगे इसमें बाय यू हिडन रहता है यह हमेशा ध्यान रखेंगे और वर्ग की थर्ड फॉर्म को फास्ट पार्टी कहा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स हम यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं do not insult the poor this is an active voice okay let the poor not be insulted this is passive voice so this is the first step so first step mein aapne dekha ki let ka use hota hai shuruaat mein ab hum aate hain dusre step ki aur second step और ये भी imperative sentence में ही use होता है Number वन affirmative sentence. इस affirmative sentence में आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत में You are, फिर सेंस के अकॉर्डिंग सजेस्टेड एडवाइज ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड कमांडेड अपील्ड यह सब हम लगा सकते हैं और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब को इन्फिनेटी भी कहा जाता है एंड रिमेन्स ऑफ एक्टिवाइज रिमेन्स ऑफ एक्टिवाइज का मतलब है कि एक्टिवाइज का जो बचा हुआ पार्ट है वो लास्ट में रखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवेन हियर यू कैन सी प्लीज हेल्प मी दिस इज एन एक्टिवाइज सेंटेंस में प्लीज दिया गया है तो इसका मतलब है रिक्वेस्ट की गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी दिस इज पैसिव वॉइस डियर स्कॉलर्स नाउ लेट अस गो फॉर द नेगेटिव रूल अब बढ़ते हैं हम दूसरी तरफ नेगेटिव की ओर इसमें जो रूल लगेगा वो यह है कि यू आर प्लस एडवाइज सजेस्टेड रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड ये सब सेंस के अकॉर्डिंग आएगा फिर उसके बाद एडवर्ब नॉट या नेवर है ना जैसा दिया गया होगा नॉट का है तो नॉट आएगा, तो आएगा उसके बाद टू और की फर्स्ट फॉर्म तो इस पार्ट को कहते हैं इन एंड आफ्टर दैट रिमेन्स ऑफ एक्टिव तो उसके बाद में जो एक्टिवइस का बचा हुआ पार्ट है लास्ट में रखते हैं डियर स्ट्रेंड्स यू कैन सी दियर गिवेन डू नॉट रन ऑन द बिजी रोड

या कोई अथॉरिटेटिव रूल्स हैं तो इसका रूल अलग है तो सबसे पहले हम अफॉर्मेटिव की बात करेंगे इस अफॉर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ये वही सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट से बनता है ठीक है फिर इसके बाद में शुड लगाएंगे और शुड के बाद में बी और फिर बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इस थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं और इसमें भी बाय यू हिडन रहता है एग्जांपल इज गिवन हियर यू कैन सी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स

example is given here do not waste water this is an active voice water should not be wasted this is passive voice to class and dear students and scholars hopefully ye rules bahut hi easily aapko samajh mein aaye honge और अगर आपको समझ में आया है तो इस channel को subscribe कीजिएगा like कीजिएगा और कोई अगर और अच्छे से कोई सुझाव हो या और तरीके से पढ़ना चाहते हो आसान तरीके से तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा थैंक यू